अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि आपकी बात सुनी जाए, और YouTube पर आपको लाइव वीडियो मिलेगी, वो आप समझने के लिए, आपको अमलियात सिखाने के लिए भी तमाम चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। खुद के खुद आमिल बने, लोगों की हमारी तरह मदद करें, ठीक है। सबसे प्यारा अमल सूरह फातिहा, सूरह फातिहा, और जिसको सूरह फातिहा की समझ नहीं आती तो अल्हम्दुशरीफ़ कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारक सूरह फातिहा, इसका आज अमल मैं आपको बताऊंगी भी और तरीका भी समझाऊंगी इसको कैसे करना है और ये कैसे अमलियात में सबसे ज़्यादा बुलंद है और इसको करने का ख़ास तरीका क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की मखलूक, यहाँ तक के अपने बिलों में रहने वाले चूटियाँ और पानी में मछलियाँ, इन लोगों पर रहमत भेजती हैं जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, बुराई से दूर रहने की बात करते हैं। हमेशा कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कदम रखते हुए अच्छी बात समझाई जाए, अच्छा तरीका समझाया जाए। आप अमल तो करते ही होंगे, वज़ाइफ़ तो आप करते होंगे, सिर्फ इसलिए इतनी डिटेल से समझाया जा रहा है कि गलत ना करें, गलत लोगों के पास जाकर वक्त, इज़्ज़त, इस तरह की चीज़ें बर्बाद ना करें, दीन बर्बाद ना करें, कुफर में ना पड़ जाएं, अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें। अल्लाह के कलाम आपके साथ हमेशा कायम दायम भी रहेंगे और आखरत में भी ख़जाना रहेंगे। ये तावीज़ात नहीं हैं, ये नक्श हैं। जितने भी मेरे अमल में सब नक्श व नगार हैं, नक्श से ही आपकी मदद की जाएगी। नक्श सूरह मुबारक से लिए जाते हैं, अल्लाह के नामों के लिए जाते हैं, ठीक है, पाक होते हैं, तावीज़ात नहीं है इनमें कोई भी। सबसे पहला तरीका अमल का जो बताने लगी हूँ सूरह फातिहा का, 21 बार सूरह फातिहा। ज़ुकात कोई नहीं है, वक्त दिन में किसी भी वक्त कर लें, दिन पीर जुमेरात को कर सकते हैं, मंगल और हफ्ते को छोड़कर। इन दिनों में ना अमल भारी पड़ जाते हैं, इन दिनों का सिर्फ इसी वजह से मना ही की है, इन दिनों में अमल कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग भी मंगल और हफ्ते को शुरू करते हैं ना, उनका अमल कामयाब नहीं होता। नमाज लाजिम है, छोड़ेंगे तो अल्लाह पाक से भी जाहिर है गुनाह होगा, और आपने मुझसे भी वादा किया अमल के लिए, और बेशक अपनी ज़िंदगी में इसको अपना रहबर बना लें तो नमाज आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। अमल की तादाद 21 बार। सुरमे पर दम करना है, सुरमा आप ये वाला भी ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं दे रही, आप कोई सा भी काजल ले लें, सुरमा ले लें, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। लाजिम नहीं है कि इसी के बारे में बात की जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी सुरमा लें। जिन बहनों को सूरह फातिहा नहीं आती, भाइयों को सूरह फातिहा नहीं आती, वो ये वाला नक्श इस सुरमे में लिखकर, छोटा सा बिल्कुल लिखकर तो डाल लें, ये उतना ही काम करेगा जितना सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा को अगर 21 मरतबा आती है पढ़नी, तो सूरह फातिहा को 21 बार पढ़ के सुरमे पे दम करें, सुरमा कोई सा भी ले लें, सुरमे पे दम करना है 3 बार, 3 बार सुरमे पे दम करना है। अब जब आप ये नक्श तैयार करेंगे ना, तो अगर ज़्यादा पावरफुल करना है तो नक्श भी सुरमे के अंदर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बना कर रख दें, और साथ में सूरह फातिहा का भी दम कर दें। ये आपके प्यारों को, जब आप अपने प्यारों के सामने, ख़वातीन जो होती हैं घरों में, हस्बैंड वाइफ का मसला हो, या घर में कोई ऐसे बहन भाई हैं जो नाराज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, या शादी ब्याह का मसला हो, तो लड़कियों ने रिश्ते के लिए जब कोई आता है तो जैसे कोई फैमिली देखने के लिए आती है, तब भी ये सुरमा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ़लाँ इब्न, अगर किसी के नाम का पता है तो फिर आप फ़लाँ इब्न हाजिर शो इसके नक्श के नीचे लिख कर भी इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अपने प्यारे
को पाने के लिए ये बात करना चाहता है या काम करना चाहता है या ये अमल इख्तियार करना चाहता है, तो ये अपने प्यारे को पाने के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा। आपने दम करना है 21 मरतबा ही सूरह फातिहा को। दम करने के बाद जब भी उसके सामने जाएं तो अपनी आंखों में लगा लें, ठीक है, और इंशाल्लाह वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। इतनी मोहब्बत, इतना वो मुतग़य्यर होगा, इतनी वो मोहब्बत, इतनी चाहत रखेगा कि आपकी सोच है। इस सुरमे का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को अपनी तरफ खींचना या दीवाना, गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए। मैंने आपको इस अमल में क्या कहा, बहन भाई के लिए भी कर सकते हैं। जिनकी बहनें नाराज़ हैं भाई कर लें, जिनकी भाई नाराज़ हैं बहनें कर लें, जिनके बेटे नाराज़ हैं माएँ कर लें, जिनकी बेटियाँ नाराज़ हैं, औलाद नाराज़ है माएँ कर लें, रिश्तों की तंगी परेशानी है तो वो लोग भी कर सकते हैं, सामने जाएँ तो ये अमल करके जाएँ। सुरमे का इस्तेमाल आप जौन सा है, इसमें जो सुरमा है आम है, कोई वो नहीं है, जो दुकान से मिल जाए आपको, शॉप से मिल जाए आपको, किसी भी जगह से कोई मिल जाए। काजल है, काजल का तरीका इस तरह नहीं होगा लेकिन फिर भी हो जाए कदम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको काजल का तरीका भी इंशाल्लाह समझाऊंगी। काजल का तरीका और तरह से फिर आपको करना पड़ेगा, तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह सूरह फातिहा काजल के साथ भी अमल बताऊँगी, ठीक है, आप इंतज़ार कीजिएगा। जो भी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, उसी हिसाब से। अगर आप ख़ुद भी कोई अमल मतलब कि बताना चाहते हैं या फिर आप कोई अमल पूछना चाहते हैं, रिज्क का, जादू का, बंदिश का, किसी भी किस्म का, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसके लिए भी वीडियो तैयार करके आपको समझाई जाएगी और बताई जाएगी। अगर आप मुकलात अमल परी और इस तरह मतलब जैसे बातनी आँख के अमल होते हैं तो अगर वो भी करना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें आगाही दें ताकि उसके बारे में भी मज़ीद वीडियो आपको बनाकर सेंड की जाए, तो आप परेशान नहीं हो। ये मदरसा है आप लोगों के लिए, आप यकीन माने कि सिर्फ मदरसा फ़ातिमा तो जहरा का नाम ऐसे ही नहीं लिया गया, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के नाम पे मदरसा बनाया गया, तो सिर्फ इतना ही ये नाम काफ़ी है। इसमें कोई मसलिक का कोई दारमदार नहीं है, कोई शिया सुन्नी वाबी इस तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ातिमा तो जहरा का मदरसा है, ठीक है। नाम नबी की बेटी का है तो बहुत ही मोतबर है, हम सब उनको मानने वाले हैं और चाहने वाले हैं, तो बस इसी नाम से मदरसे का नाम मुझे बहुत पसंद था तो मैंने रखा। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, और जब भी अमल करें इस सुरमे को तैयार करें, सिर्फ जिसके लिए ये तैयार किया गया ना उसके सामने ही जाना है, किसी और के लगाने, किसी और को आंख में लगाने भी नहीं देना, छुपा के रखिएगा नहीं तो वो दीवाना होता फिरेगा आप लोगों का, ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्लाह।